अच्छी परंपराओं और समृद्ध समाज के साथ विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई, जिसमें मृत्यु भोज बंद करने और आद्यथलों के जीर्णोद्धार को लेकर कई फैसले लिए गए। फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा ने बताया कि मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को बंद करने के पीछे हमारी सोच है और समाज और मानव हित में हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े। फाउंडेशन इसके लिए एक जन जागरण अभियान चलाएगा कि मृत आत्मा की शांति हेतु कर्मकांड पूरे विधि विधान से करवाने पर मृत्यु पर भोज ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि विप्र फाउंडेशन के सदस्य इसकी पहल करेगा। ऑनलाइन बैठक में ब्राह्मण समाज के 207 सदस्यों ने देश के 69 स्थानों से भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से संस्थान के मुख्य संरक्षक रायपुर विधायक सत्यनारायण शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष मुंबई के महावीर प्रसाद शर्मा को निर्वाचित किया गया। फाउंडेशन की राष्ट्रीय परिषद की आज की बैठक में अन्य विषयों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि समाज में जो काल बाह्य रीतियां हैं, जिनका आज कोई औचित्य नहीं है, जिनको कुरीतियों के रूप में देखा जा रहा है, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और हमने आज ये निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज पर हम पाबंदी लगा रहे हैं, मृत्यु पर हम भोज नहीं करेंगे, बल्कि हम मृत्यात्मा की पुण्यात्मा की शांति के लिए आध्यात्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कराने की परंपरा शुरू करेंगे। यह आज निर्णय लिया है कि मृत्यु भोज बंद आध्यात्मिक